उत्तर प्रदेश ने अपने अधिवेशन में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए थे, समान काम का समान दाम, ठेका प्रथा के विरोध में, आंगनबाड़ी आशा, मिड डे मील स्कीम वर्कर्स को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के, सरकारी कर्मचारियों के एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन स्कीम को लेकर के, ठेका प्रथा को लेकर के, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाए इसको लेकर के, ईपीएफ की पेंशन 5,000 रुपये मासिक की जाए और उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने 28-29 अप्रैल की 2018 की अपनी कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पास किए थे। हमने समय समय पर आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया, किंतु सरकार की उदासीनता ही नज़र आई। इसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ अभी 30 अक्टूबर को आगामी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली करेगा। उस रैली में भारतीय मजदूर संघ के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय जी उसका नेतृत्व करेंगे। आज प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ इसकी सदस्य संख्या ये 20 लाख से अधिक है। हमने मजदूरों से अपनी मांगों के समर्थन में लखनऊ आने का आह्वान किया है। हमको लगता है कि एक बड़ी संख्या में मजदूर लखनऊ आकर के और अपनी मांगों पर सरकार पर दबाव बनाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने कोई गतिविधि नहीं की, मजदूरों की मांगों पर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया, तो उस दिन हम आगामी आंदोलन की घोषणा भी कर सकते हैं।